लाइफ साइकिल पढ़ा है क्लास का। क्लास का लाइफ साइकिल मैंने आपको बोला कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। कोई तो भी चेंजेस भी होंगे तो आपको क्लास लाइफ साइकिल अगर आएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है कि भाई, क्योंकि क्लास लाइफ साइकिल को रिप्लेस करके ही हुक्स पे काम होता है। तो अभी हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, हमें स्टेट पढ़ना, हमें बताया गया है कि भाई स्टेट पे क्या होता है, हम डेटा को सेव वेव करते हैं, वो हमारे पास क्या है, स्टेट का कॉन्सेप्ट है। मैं पेज को रन कराता हूँ, ध्यान से फोकस करना। मैंने फाइल बनाई, अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं और जो भी पर्टिकुलर फोल्डर है उसको रन करा देते हैं। मैंने आप लोगों के लिए काम किया है, इसको मैं सिंपल शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। तो मैं आपको शेयर करना भूल गया हूँ। तो ये है कि मैंने एक टाइमर का कोड लिखा है क्लास कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, इस पर क्या किया है, मैंने एक स्टेट क्रिएट करी है। डेट एक ऑब्जेक्ट है जिससे डेट का जो भी डेटा होगा वो किसके पास होगा, डेट प्रॉपर्टी के पास होगा। यहाँ पर मैंने कंपोनेंटेड अमाउंट पर जब ये डेटा पड़ जाए तो ये एक एक सेकंड बाद अपने आप को क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा, क्योंकि सेकंड इंटरवल डाला है। और ये मैंने एक टिक नाम का फंक्शन बना रखा है नीचे, आपको समझाने के लिए मैंने उस पर मेंशन भी कर रखा है। और दिस डॉट सेटिस्टेट क्या कर रही है, टिक नाम के फंक्शन पर डेट बार बार आ रही है और बार बार अपने आप को क्या करती रह रही है, कॉल करती रह रही है। ये यहाँ पर मैंने कॉलिंग कर रखा है इस पर। और कंपोनेंट डेट अपडेट पर कंपोनेंट डेट अपडेट एक फंक्शन कॉल किया है और क्लियर इंटरवल के लिए इस इंटरवल को क्या कर रखा है, क्लियर कर रखा है। तो मैंने कल आपको लास्ट टाइम पे बोला था कि भाई अगर आप किसी चीज को क्लियर करना चाहते हैं तो किसका यूज करते हैं, कंपोनेंट विल अनमाउंट का यूज करते हैं। बेसिकली किसी बटन पर अगर आप चाहते हैं कि भाई जो मैंने इंटरवल बना रखा है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और इस स्टेट को आपने यहाँ पर पेज पर दिखा रखा है, दिस डॉट स्टेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग से आप क्या निकाल रहे हो, उसका टाइम निकाल रहे हो। हालांकि मैं इसको आपको यूज इफेक्ट पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिकली आप सिर्फ देखिए, आपको अभी कुछ ऐसा ध्यान नहीं देना है कि ये क्या हुआ है। मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया और एंटर प्रेस किया। मैंने एक सिंपल सा टाइमर डॉट जेएस का पेज बनाया है, उस पर मैंने कुछ ऐसा कोड किया है कि टाइमर क्या हो जाए, ये मेरी गौरव सर है। अब मुझे पता चल गया मेरा सीक्रेट सेंटा कौन है, इनको इतना पता ही नहीं चल, ये सीक्रेट होनी चाहिए। बाद इन्होंने मेरे सामने में दिखा दिया कि मुझे गिफ्ट कौन देने वाला है। तो आप चीजों को समझने की कोशिश करना। तो अभी क्या हो रहा है, ये घड़ी चल रही है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बनाया किससे, क्लास वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके। ये कोड मैं आपको शेयर करूंगा, आप देखिए। सबसे पहले कंपोनेंटेड माउंट कॉल हुआ और उसके बाद बार बार क्या होता रहा, अपडेट होता रहा। और क्लियर इंटरवल क्या करता है, क्लियर करता है। क्लियर कब, जब आपके पेज से डेटा आप क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। जैसे मैंने बटन पे क्लिक करने पर क्या कर दिया, कंपोनेंट विल अनमाउंट को कॉल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा डॉम से डेटा। ठीक है, इस सिनेरियो को बनाने के लिए आपने क्लास पर माउंटिंग करी, फिर आपने अपडेटिंग भी करी और इंटरवल को क्लियर करने के लिए विल अनमाउंट यूज किया। उसकी जगह पर आपके पास रिप्लेसमेंट है। अब आपको सिंपल फोकस करना है, जिस जगह पर हम आए उस जगह पे। ये कोड मैं आपको शेयर करूंगा, सिर्फ देखने के लिए आपको ये कोड चाहिए, बाकी आपको इसको रटना नहीं है, खाली देखने के लिए चाहिए बस। देखो
यहाँ पर अगर मैं पेज पर हूँ, जो भी अपने पास ब्राउजर है उस पर्टिकुलर ब्राउजर पे मैं आया, मैंने सिंपल सा लिखना है यूज इफेक्ट इन रिएक्ट। मैं दो ऑफिशियल वेबसाइटों का यूज कर रहा हूँ, एक तो मैं रिएक्ट जेएस का यूज कर रहा हूँ और एक डब्ल्यूसी स्कूल का, जो मैं हालांकि बार बार यूज करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यूज इफेक्टिव, यूजिंग द यूज इफेक्टिव, यूज इफेक्टिव हुक का क्या यूज है आप यहां पर नोटिस कीजिए। अगर आप फेमिलियर हैं क्लास मेथड्स से, तो यूज इफेक्ट रिप्लेस करता है कंपोनेंट इड माउंट, कंपोनेंट इड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, तो मैं अगर यहां पर पेज पर आया इस जगह पर, मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी, अगर मैंने एक फाइल क्रिएट की और इसका यूज क्या है यहां पर आप देखिए, यूज इफेक्ट का यूज होता है फेचिंग द डेटा फ्रॉम द एपीआई, डायरेक्टली अपडेटिंग द डॉम एंड टाइमर्स। इन सिनेरियो पर आप यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। बीइंग अ फ्रेशर आप यहीं से स्टार्ट करते हैं चीजों को। आप एक वर्ड सुनेंगे जो मैं अभी बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट सुनेंगे रिएक्ट क्वेरी, आजकल बहुत चल रहा है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं सर आप रिएक्ट क्वेरी पढ़ाते हो क्या, कंटेंट में नहीं है बट वो कॉन्सेप्ट इसके ऊपर है। बेसिक में स्टार्ट करते समय आपको यूज इफेक्ट समझना, ठीक है, आप शुरुआत कर रहे हो ना, अचानक से रिएक्ट क्वेरी कैसे बोल देंगे हम तुम्हारे सामने, ठीक है, वो बात की बात है। इसके बाद हम यहां पर पेज पर है, तो अब नोटिस करना क्योंकि इसके ऊपर है तो इसके अच्छा फायदा देने के काम होता होगा। हमारे पास यूज इफेक्ट लगाने के लिए यहां पर से सिनेरियो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए मैंने यहां पर फाइल बनाई, जैसे एक फाइल क्रिएट कर दी अपने कंपोनेंट वाले सेक्शन के अंदर और इस फाइल का नाम मैंने लिख दिया यूज इफेक्ट डॉट जेएस, रैंडम सी फाइल बना दी। अब यूज इफेक्ट को लिखने का तरीके पे फोकस करना, मैंने क्या लिखा आरएफसी फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया, अभी मैं सिंपल सा यूज इफेक्ट लिखता हूं। देखिए यूज इफेक्ट थोड़ा सिंटेक्स पे बात करते हैं, मैंने क्या लिखा यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, द फंक्शन फर्स्ट वन इज द फंक्शन नेम और दूसरा डिपेंडेंसी एरे, दो आर्ग्यूमेंट को यूज इफेक्ट लेता है। आप यहां पर सिंटेक्स को देखना, जब आप यूज इफेक्ट पे बात कर रहे हैं तो यूज इफेक्ट के अंदर आपके पास क्या है, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है और दूसरा क्या है डिपेंडेंसी अरे, ये मैंने एक सिंटेक्सिस पर ध्यान दिया। तो लिखते समय आपने एक तो क्या बना रखा है, एक फंक्शन बना रखा है और दूसरा क्या होता है इसमें डिपेंडेंसी अरे होता है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा डिपेंडेंसी अरे क्या, ठीक है। अगर आपने डिपेंडेंसी अरे नहीं दिया है, ध्यान देना फोकस करना, और जब आप यूज इफेक्ट लिख रहे हैं तो ऊपर क्या हो जा रहा है, ये इंपोर्ट हो रहा है और ना हो तो आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आपने डिपेंडेंसी एरे नहीं लिखा है और आपने यहां पर सिंपल सा भी लिखा है लॉग गुड मॉर्निंग, अभी के केस में नॉर्मल देखिएगा, अगर मैंने यहां पर क्या लिख दिया गुड मॉर्निंग लिखा है और इसे मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल प्लस एस और यूज इफेक्ट वाला जो भी कोड है उस पर्टिकुलर कोड को कहां पर एड करवा देता हूँ एप डॉट जेएस पे, कैसे इस टाइमर वाले कोड को अभी कमेंट रखता हूँ ये, हालांकि मैं अभी बनाऊंगा इससे, और यहां पर पेज पर मैं मैंने क्या यूज कर लिया यूज इफेक्ट जो भी अपना पेज है। और ये मेरे पास क्या हो गया ऊपर इंपोर्ट हो गया, और यूज इफेक्ट वाले पेज पर क्या लिखा है सिंपल सा एक फंक्शन बनाकर उसके अंदर क्या लिख रखा है कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग। मैंने लिखने के तरीके में दो चीज बोली कि पहला फंक्शन आर्ग्यूमेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंसी एरे होता है। अभी मैंने डिपेंडेंसी एरे नहीं लिखा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या चीज है,
और मैंने यहाँ पर अभी कंट्रोल प्लस एस सेव किया है। अब आप ध्यान दीजिए, पहले फोकस करना, नो डिपेंडेंसी पास्ट, कोई भी डिपेंडेंसी क्या नहीं हो रखी है, पास नहीं हो रखी है, उस केस में ये कोड कैसे चल रहा है। आप यहां पर पेज पर आए, आपने इसे क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो यूज इफेक्ट पर क्या लिखा है मैंने, गुड मॉर्निंग, क्या आता है यहां पर, गुड मॉर्निंग। आप पेज पर आए, आपने लेट से एक स्टेट डिफाइन कर दी, कोई भी एक रैंडम सा मैं काम कर दे रहा हूं। स्टेट कैसे डिफाइन कर देते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं ना, कॉस्ट काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यू स्टेट, और यू स्टेट के अंदर काउंटर की वैल्यू क्या दी थी मैंने, जीरो। ऐसे मैंने एक काउंटर को नीचे यहां पर दिखा दिया, ध्यान देना इस बात पे, यहां पर मैंने काउंटर को दिखा दिया, इस तरीके से काउंट लिख दिया, और यहां पर मैंने बना दिया एक बटन, ठीक है, बटन पर लिख दिया लेट से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी ऐसा, और ऑन क्लिक पर उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। किस तरीके से लिख दिया भाई, कुछ यहीं पर अगर लिखना होता तो कैसे लिख सकते थे, सेट काउंट, इसी के अंदर सिनेरियो बना सकता हूं मैं, प्रीव काउंट, जो भी प्रीवियस काउंट की वैल्यू है उस प्रीव काउंट प्लस वन हो जाए, ऑल्ट प्लस हो जाए, यही था ना जय, ठीक है, अलग से फंक्शन ना बनाया, इसी के अंदर लिख दिया मैंने। मैं क्या कर रहा था, ऑन क्लिक करने पर एक फंक्शन बनाता था, उस फंक्शन के अंदर प्लस वन कर दे रहा था, वो सिंटेक्स भी ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कि आपको ऐसा ना लगे कि ऐसा ही सिंटेक्स हो। कल हम ये तो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि भाई एक ऐसा ही एक ही सिंटेक्स पे बात नहीं होगी। यहां पर हम पेज पर इस जगह पर हमारे पास क्या है, देखना, जब पेज लोड हुआ तो कौन सा फेज चलता है, माउंटिंग, क्या दिख रहा है, गुड मॉर्निंग, आपने इंक्रीमेंट किया, कौन सा फेज चला, अपडेटिंग, फिर से क्या चल रहा है, ये यूज इफेक्ट चल रहा है ना, यूज इफेक्ट, क्योंकि यूज इफेक्ट किस किस चीज पे चलता है वो आपने देखा अभी, कंपोनेंट इस जगह पर आप नोटिस करना, जब आप यूज इफेक्ट पे बात कर रहे हो तो कब चल रहा है, कंपोनेंटेड माउंट पे चला, और किस पे भी चला, कंपोनेंटेड अपडेट पे भी चला। और यहां पर थ्योरी में लिखा हुआ है, डब्ल्यू थ्री स्कूल पे आप जब पढ़ रहे हैं, क्या कहता है, रन्स ऑन एवरी रेंडर, जब जब रेंडर होगा तब तक बार बार कॉल होगा, जब आपने डिपेंडेंसी पास नहीं कर रखी है। जरूरी बात, अगली लाइन पर क्या लिखा है, रन्स ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर, अगर आप कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं कर रहे हो बट आपने डिपेंडेंसी का क्या बना रखा है, ब्रैकेट बना रखा है, तो ये सिर्फ चलता है माउंटिंग फेज पर, ये सिर्फ कब चलेगा, माउंटिंग फेज पर। हम यहां पर सेफ पर आए, यहां पर अगर मैं पेज पर चलाता हूं, इस जगह को अगर देखता हूं, इस जगह पर मैंने सिनेरियो बनाया, तो मैंने इसे रिफ्रेश किया, यहां पर अगर मैंने गुड मॉर्निंग, ये माउंटिंग फेज पर चला, अब मैं यहां पर इंक्रीमेंट कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्या नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। अगली बात मैंने बोली डिपेंडेंसी एरे, अगला चीज क्या बोला, डिपेंडेंसी एरे, बोला किसके बेस पर आप इसे चलाना चाहते हैं, प्रॉप्स या फिर स्टेट। मैंने कहा ये चीज बार बार चले, जब जब काउंटर की वैल्यू पर फर्क पड़े, जब जब काउंटर की वैल्यू पर फर्क पड़े, ऐसा आप सिनारियो बना सकते हैं। देखिए आपको मैं मिनट देता हूं, सर्च का एक इनपुट बॉक्स है, आपने जैसे जैसे उस पर कुछ टाइप किया उस हिसाब से क्या होता रहे, जो भी आपने कोड लिखा हो बार बार कॉल करते रहे एपीआई, ठीक है, डब्ल्यूएस को हिट करेगी तुरंत बाद। मैंने कोई भी नाम डाला फॉर्म इनपुट बॉक्स पे, जैसे मैं नाम डाल रहा हूं, मैंने ए लिखा, ए के बेस पर क्या हो गया, एपीआई कॉल हिट, फिर से एपीआई हिट, फिर से एपीआई हिट, आप जो भी कर रहे हो उसके बेस पर क्या हो रहा है, हिटिंग कर रहा है बॉक्स को। कंट्रोल प्लस एस, जाकर पेज पर देखते हैं, आप लोग सीखेंगे, ठीक है, फ्रेशर्स को सिखाएंगे ऐसा कोड कि कैसे लिखते हैं, बट आपको सिनारियो समझना है तब आपको कैसे कोड समझ में आएंगे। यहां पर हम पेज पर हैं, अब देखिएगा जब आपके पास इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि काउंटर के बेस पर आपने क्या किया है, बार बार इफेक्ट को कॉल किया है ना। अगर आप यहां पर हैं, जब आपने इंक्रीमेंट को कॉल किया, देखो जब जब आप इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हो तब तब क्या कॉल हो रहा है, यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है,
क्योंकि आपने यूज इफेक्टिव किसके बेस पे कॉल करा रखा है, काउंटर के बेस पर। क्लियर हुई बात? कंडीशन पे यहाँ पर आप ऐसी कंडीशन बना सकते हैं, इफ के बेस पर कंडीशन बना सकते हैं जीरो, ठीक है। तो वो एक बार होगा या चलता है? अगर चेंज नहीं होगा तो एक ही बार होगा, चेंज नहीं होगा तो एक ही बार, ठीक है। क्योंकि जिसके बेस पर आप चलाओगे अगर वो चेंज ही नहीं होगा तो फिर एक ही बार चलो। बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप फंक्शंस लिखेंगे, अगले सिनेरियो पर जब जाऊंगा ना डेटा को फेच करने, ये जो लिखा है अभी तो ये एनोनिमस फंक्शन है, फंक्शन का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। इसी चीज की जगह पर एक फंक्शन बना देंगे और नीचे से इफ की कंडीशन बना देंगे, ठीक है। सिनेरियो पर लिख के दिखा दूंगा ऐसा। तो यहाँ पर हम पेज पर हैं और मैं इसे सिखाऊंगा आपको सर्चिंग वाले टाइम पर, उसी समय चार हो तभी चले और इतना हो तब तक, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हाँ इसको ही फंक्शन बना देंगे ना, और नीचे कॉल करते समय यहाँ पर इसको इफ के बेस पे कॉल कराएंगे। अगर ऐसा है मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मैं इसी को लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन ऐसी कुछ कंडीशन बना देंगे, इफ क्या काउंटर डबल इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तभी हम डिपेंडेंसी एरे देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम डाल देंगे उसको, हाँ यहाँ पर अगर फंक्शन है तो यहाँ पर कंडीशन अगर काउंटर के बेस पे कर रहे हो तो फिर काउंटर ही लगेंगे ना, यहाँ पे फंक्शन का नाम कैसे डाल देंगे जिसको कॉल कराना है, हाँ हाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें, उस पर हाँ कर सकते हैं ऐसा, कंट्रोल प्लस एस सेफ, ठीक है। अभी के केस में आप लोग इसको सिंपल देखें, हम जब करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर पेज पर देखा कि भाई ये पर्टिकुलर पेज जैसे जैसे काउंटर की वैल्यू पे मैं बढ़ा रहा हूँ उसके बेस पर क्या कर रहा हूँ, इसे कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने बोला कि भाई मुझे टाइमर दिखाना है, ठीक है। अगर मुझे टाइमर दिखाना है तो हमने पढ़ा है डेट ऑब्जेक्ट, पढ़ा है डेट ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट से क्या निकाल देते हैं हम, डेट निकाल देते हैं। और डेट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा मैं एक सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ, तो मैंने बोला न्यू डेट, इससे क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। कंट्रोल प्लस एस, काउंटर की जगह पर क्या दिखेगा मुझे, डेट दिखेगी यहां पर। अब डेट नहीं दिख रही है तो आपके पास डेट के लिए मेथड्स होती हैं, देखिएगा जावास्क्रिप्ट में। यहां पर हम पेज पर आए, मुझे अगर डेट को किसमें कन्वर्ट करना है, डेट टाइम फॉर्मेट अगर देखना है किसमें, इन जावास्क्रिप्ट, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेट निकल के आ जाते हैं। अगर आप पेज पर देखेंगे तो नंबर ऑफ वेबसाइट्स के अंदर अगर मैं कैसा लिखता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं मेथड ऐसे सर्च कर पा रहे था टू लोकल डेट स्ट्रिंग, देखना हमारे पास ऐसी मेथड्स हैं टू लोकल डेट स्ट्रिंग जो क्या निकाल देती है, डेट ऑब्जेक्ट से रिटर्न करती है डेट को। ऐसे हमारे पास टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इस तरीके की मेथड्स हैं, ठीक है, जो क्या निकाल देती है, टाइम निकाल देती है। अगर मैं यहां पर पेज पर आया और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैक्सिमम मैंने पीएचपी और जावास्क्रिप्ट पे नोटिस किया है कि अगर आप डेट की बात करते हैं तो वो 1 जनवरी 1970 से ली गई डेट्स है, ठीक है, जो डेट आ रही है और वो मिली सेकेंड्स में हमें कुछ रिटर्न कर रही होती है। तो हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, टू लोकल टाइम निकालना है तो क्या लिखती मैंने, टाइम स्ट्रिंग ऐसा कुछ लिख दिया, जो भी डेट है उसको किस पे कन्वर्ट कर दिया, टाइम्स में। आप देखिए क्योंकि डेट पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उसमें से क्या निकल के आएगी, सिर्फ टाइम निकल के आया। देखो जो भी मैं घड़ी चल रही होगी उस समय क्या है, 6:31 जितना भी सेकंड हो रहा होगा उतना। क्लियर हुई बात? और वो कहां पर आ रहा है मेरे पास, इस पर्टिकुलर जगह पर, ये ऑन क्लिक पर,
अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई बार बार ये फंक्शन कॉल होता रहे और क्या करता रहे, अपडेट करता रहे अपने आप को, टाइम हर बार क्या होता रहे, चेंज होता रहे। तो टाइम चेंज होता रहे तो मैंने क्या किया, देखिए नोटिस करना, मैंने यहां पर कोई भी एक फंक्शन बना दिया, जैसे फंक्शन का नाम क्या लिखा मैंने, चेंज, कोई भी एक फंक्शन, कॉस्ट, कोई भी एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने कहा कॉस्ट, चेंज नाम से एक फंक्शन बना दिया, और ये चेंज नाम का फंक्शन क्या करता रहेगा, टाइम को चेंज करता रहेगा, ठीक है, जो भी एक डेट है उसको क्या करता रहे, चेंज करता रहे। और अभी हमने एक चीज पढ़ी, यहां पर अगर मैं टाइमर पे बात कर रहा हूं, ध्यान देना टाइमर डॉट जीएस पे, इस पर्टिकुलर फाइल पर, और यहां पर हमारे पास एक मेथड है, मेथड कौन सी है, कंपोनेंटेड माउंट, और इसके अंदर क्या कर रखा है, टाइमर को हर एक एक सेकंड बाद क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, हर एक एक सेकंड बाद अपने आप को कॉल करा देगा, जो भी अपने मेथड बना रखे। तो मैं कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। तो मैंने यहां पर पेज पर लिखा, जो भी पर्टिकुलर पेज है, यूज इफेक्ट डॉट जेएस, मैंने कहा चेंज नाम की एक मेथड रहेगी, और इस चेंज नाम की मेथड के अंदर क्या होता रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा। अब टाइम चेंज होता रहेगा, मैंने क्या कर रखा है, सेट काउंट नाम का वेरिएबल बना रखा है, मेथड बनाई है, उस मेथड के अंदर मैं टाइम को चेंज करा रहा हूं। मैंने कहा न्यू डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, अभी तो ये कहीं से कॉल नहीं है ना, मैंने इसको कॉल कहां करा दिया, इस जगह पर, इस गुड मॉर्निंग की जगह पर, इसकी जगह क्या कॉल कर दिया मैंने, सेट इंटरवल, माउंटिंग फेस है, अपडेटिंग फेस है, सारे फेसेस कौन पे, किस पे चल रहे हैं, यूज इफेक्ट पे। यहां पर आप ध्यान दीजिए, जब आप यहां पर पढ़ रहे हैं कंपोनेंटेड माउंट और कंपोनेंटेड अपडेट, जब अपडेट होता रहेगा तो अपडेट होता रहेगा तो ये अपने आप को किसको कॉल करता रहेगा, इस पर्टिकुलर चीज को, और इससे मैंने क्या करा दिया, यहां पर मैंने सेट इंटरवल लगा, मैंने कहा सेट इंटरवल क्या हो जाए, जो भी मेरा चेंज वाला मेथड है, जो भी मैंने क्या लिख रखा है, चेंज वाला मेथड है, वो हर एक एक सेकंड बाद अपने आप को क्या करता रहे, कॉल करता रहे, क्योंकि अपडेटिंग में भी क्या चलेगा, ये चलेगा। और मान लो मैंने यहां पर लिख भी रखा है, चलो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग चलाता हूं, कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग लिख देता हूं, और मैंने काउंटर के बेस पर ना चलाकर अभी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं मार रखी है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दे रखी है, ठीक है, और मैंने इसे कंट्रोल प्लस एस कर रखा है, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं, जो भी मैंने पेज बना रखा है उस पर्टिकुलर पेज पर, आप देखना, अब सिंटेक्स को सही करेंगे बस, ठीक है, कि हमने जो सिंटेक्स लिखा है उस सिंटेक्स को सही कर देंगे। देखो 635 ये कर रहा है ना कुछ, डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ऐसा कुछ दे रहा है मुझे, कहां पर, इस जगह पर, यहां पर मैंने सिंटेक्स पे क्या कर दिया, न्यू डेट लिख दिया, सेव किया, जाकर पेज कर देखा, नीचे ध्यान देना, देखो गुड मॉर्निंग माउंटिंग पे भी चल रहा है और अपडेटिंग पे भी चल रहा है, यूज इफेक्ट दोनों फेज पे चल रहा है ना, माउंट हुआ तब भी चला, और मैंने यूज इफेक्ट के अंदर ही क्या चला रखा है, टाइमर, वो एक एक सेकंड बाद अपने आपको कॉल करता रह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फिर से रन करता है। अगर आप कहते, अगर आपने मुझसे कहा कि सर ये बार बार चल रहा है, एक ही बार चले, अभी आपने थोड़ी देर पहले तो चीजें पढ़ी, आपने कहा एक ही बार चले सर माउंटिंग वाले फेस पर, बार बार ये गुड मॉर्निंग ना दिखाए, तो आपने क्या दे दिया उस पर ब्लैंक अभी के केस पे। अब आप देखना आपको गुड मॉर्निंग कितने बार चलता हुआ दिखेगा, एक ही बार, पर वो टाइमर चल रहा है अपना, और अगली फेस आपने बोला, अगला फेस किस समय भी चल जाता है, ये कंपोनेंट विल अनमाउंट पे, आपने कोई एपीआई चला रखी है, टाइमर चला रखा है, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं,
अब उसी का सिंटेक्स नीचे लिखता है, देखिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्त, अगर यहाँ नहीं दिखाया तो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, देखो अगर इसमें नहीं लिख रखा है तो मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ। सिंटेक्स क्या है, अगर आप इंटरवल बना रहे हैं और इंटरवल को क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो क्लियर करने के लिए आप इसी सिंटेक्स के नीचे, यहां पर क्लियर करना है आपको इंटरवल, इसी जगह पर आप बनाते हैं रिटर्न। ये लिखने का तरीका है, उन लोगों ने बनाकर दिया है रिटर्न, और रिटर्न के अंदर इसको एज अ मेथड बनाते हैं। ये क्लियर करना है, अगर आपको किसी चीज को क्या करना है, क्लियर करना है, जैसे गार्बेज कलेक्टर वाला सिनेरियो अगर नहीं, तो आप खुद से क्या कर रहे हो यहां पर, क्लियर कर रहे हो कि जो जो इंटरवल बनता जाए वो खुद ही क्या होता रहे अपने आप को क्लियर करता चले। अभी दिखाते हैं इसी चीज को, देखना मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिख दिया, मैंने कहा क्या कर रहा है ये, क्लियर इंटरवल को कॉल कर रहा है, ध्यान देना क्लियर इंटरवल कॉल ऐसा कुछ मैंने लिखा। और यहाँ पर क्लियर इंटरवल के लिए कौन सा मेथड होता है, क्लियर इंटरवल, कौन सा इंटरवल, जो भी चेंज वाला मेथड है उसको क्या करते हैं, क्या चीज अच्छा ये वाला, ये रिटर्न नहीं फंक्शन के नाम के साथ ब्रैकेट में डेट के बाद वो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये वाला चेंज वाला यहाँ पर नहीं, सेकंड इंटरवल में नहीं, आपने जावास्क्रिप्ट में शायद देखा होगा, ठीक है जावास्क्रिप्ट वाला मैं सिनारी भी दे दूंगा एक, आप इसमें देखना यहाँ पर नहीं लगता है जब हम क्लियर इंटरवल करते हैं, अभी दिखाते हैं, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लियर इंटरवल सेट इंटरवल की जगह पर यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, क्लियर इंटरवल लिख दिया, और क्लियर इंटरवल पर क्या पास कर दिया, वो पर्टिकुलर इंटरवल पास कर दिया। आप इंटरवल कहीं ना कहीं तो इंटरवल बनाना पड़ेगा, यहाँ तो मैंने इंटरवल कुछ बनाया नहीं, किसको मैं इंटरवल किसको क्लियर करना चाहता हूँ, अभी चेंज तो कुछ है ही नहीं, चेंज तो फंक्शन है। तो अगर मैं कॉल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार इंटरवल को क्लियर करना है, तो मैंने क्या कर दिया, मान लो इसको किसके अंदर डाल दिया, एक इंटरवल वाले वेरिएबल के अंदर डाल दिया, तो चेंज फंक्शन से अच्छा मैं किसको इंटरवल करा दू, किसको कर दू, अब क्लियर है। अब वो चेंज वाला फंक्शन का मैटर ही नहीं, मैंने वो क्या कर दिया, उसको एक किसी वेरिएबल पर डाल दिया, इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल चेंज 1000, और यहां पर किसको क्लियर कर दे, उस इंटरवल को क्लियर कर दे, जो भी मैंने इंटरवल ऊपर
ध्यान देना भाई, नेटवर्क का इश्यू आया था, ध्यान देना यहाँ पे। देखो देखो मैंने पेज को कॉल कराया काउंटर के बेस पे, पहले गुड मॉर्निंग क्लियर इंटरवल, गुड मॉर्निंग क्लियर इंटरवल, गुड मॉर्निंग क्लियर इंटरवल, क्या करता चल रहा है, इंटरवल को क्लियर करता चल रहा है। तो आप तीन फेसों पे काम कर रहे हो एक साथ, इस पर कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, इन तीनों का रिप्लेसमेंट कौन है, यूज इफेक्ट है। क्लियर करनी है कोई चीज तो किसके अंदर लिखते हैं, रिटर्न के अंदर लिखते हैं, ऐसे रिटर्न एक मेथड की तरह बिहेव करता है। आपने ये दिखाने के लिए कि भाई क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने क्या डाला, ये डिपेंडेंसी डाली काउंट कि उसके बेस पर वो चलता रहेगा। पहली बार में गुड मॉर्निंग दिखाएगा, फिर आपने अपडेट मार रखा है, आपने सेट इंटरवल चला रखा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। अब अपडेट करते करते आप क्या कर रहे हो, चीजों को क्लियर कर रहे हो, तो क्लियर किसके अंदर कर रखा है, काउंटर के बेस पर। अब ये नहीं दिखाता तो आपको क्या नहीं दिखा पाता, मैं क्लियर इंटरवल नहीं दिखा पाता, ये काउंटर नहीं दिखता, तो क्योंकि एक ही बार चलता ना। जब आप लूप चलाते हैं, इसीलिए तो मैंने मेमोरी लीक पढ़ने के लिए बोला जावा सर, इसीलिए वो कल कॉन्सेप्ट दिया है कि क्या जरूरत है मेमोरी लीक के, क्या है, बस दो मिनट दो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उस पे ले। नहीं नहीं तब तब जरूरत नहीं है। अब ये आपने अगर यहाँ पर लिखा ही नहीं है तब आपको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है, तो चला ही नहीं ना। जब आपने यहाँ पर डिपेंडेंसी एक ही बार मार रखी है तो वो चला ही नहीं। ऑटो क्लियर हो, तब ऑटो क्लियर हो गया क्योंकि टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है, रैम, उसी को रिप्लेस करा, बिल्कुल ठीक है। आपको इसके लिए समझना है आर्किटेक्चर, मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है, वेरिएबल किस जगह पर जाकर सेव होता है, क्या जब हम लूप चलाते हैं फॉर आई इज इक्वल टू वन से लेकर आई इज इक्वल टू 10,000 तक या मिली मिलियंस तक, तो क्या वो आई की वैल्यू को कहाँ पर डालता है, और क्या वो मेमोरी लीक है या वो वैल्यू खुद उसी जगह पर चेंज होती है, इसीलिए मेमोरी लीक पढ़ना जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर से। तो यहां पर हम पेज पर अगर देखते हैं तो ये तीन फेसों पर इसने काम किया है। अगली चीज आती है कि भाई आपने एक सिंपल सी चीज तो समझ ली कि भाई किस तरीके से हम काउंटर चलाएंगे या क्या करेंगे। एक अगले कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, मैंने कहा अपडेटिंग द डेम और टाइम वैसा आप समझ चुके हैं, ये दो चीजें ठीक है। बटन पर क्लिक करने पर मैंने काउंटर पे उसको फिर से दोबारा चलाकर दिखाया। अगली चीज क्या है, फेचिंग द डेटा फ्रॉम द एपीआई। एपीआई फेच करने के लिए काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप दो चीजों का यूज करते हैं बेसिक में। क्या पढ़ते हैं आप, पढ़ते हैं फेच मेथड जो कि जावास्क्रिप्ट के डिफॉल्ट मेथड है, और या फिर एक लाइब्रेरी है जो कौन सी है, एक्सेस। तो यहां पर हम पेज पर अगर आते हैं फेच एंड एक्सेस, सबसे पहला आपको ये समझना है कि फेच क्या है और एक्सेस क्या है। एक्सेस एक लाइब्रेरी है तो एनपीएम से इंस्टॉल होगी, फिर उसका जो सिंटेक्स होगा वो अप्लाइड होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आप देखिए वो क्या देखिए, फेच और एक्सेस में डिफरेंस क्या होता है। अब वो डिफरेंस क्या है, फेच का ये सिंटेक्स है, जो भी एपीआई होगी उसको कहां पर डाल देंगे, यहां पर कॉपी और पेस्ट मार दूंगा एपीआई का कोड। अगली तरफ एक्सेस पे अगर बात करते हैं तो एक्सेस एक लाइब्रेरी है, पहले एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल होगी और कोड रहेगा ये। डेटा को फेच कराना है तो गेट रहेगा, इंसर्ट कराना है तो पोस्ट होगा, अपडेट कराना होगा तो पुट या पैच होगा, डिलीट कराना है तो डिलीट होगा। एपीआई का लिंक हमने पीछे बैकएंड पर बना रखा होगा, जो एप्लीकेशन हमने नोड पाइथन या फिर किसी भी जगह पर बनाई गई होगी वो यूआरएल आपके पास होगा, जो बैकएंड का डेवलपर देगा बेसिकली, ये सिंटेक्स रहेगा। अगली बात रहेगी डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड फेच क्या रहता है, जो कॉमन चीज है वहां पर मैं फोकस ज्यादा कर रहा हूं। तो कॉमन चीज है क्या कि एक्सेस से जब डेटा आता है तो क्या किस फेस में आता है, ऑब्जेक्ट में, बट फेच के डेटा को क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंगिफाइड करना पड़ता है। अब स्ट्रिंगिफाइड करना पड़ता है का मतलब क्या हुआ, आप यहां पर गए गूगल पर,
हमने देखा जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट मेथड्स, जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई, जेसन डॉट पार्स करना पड़ता है। स्ट्रिंग का जो भी डेटा है उसको आपको स्ट्रिंग में अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो जेसन डॉट पार्स, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा कि लोकल स्टोरेज का डेटा कैसे स्टोर होता है, उसको हमें पार्स करना है या नहीं करना है, ऐसी जगहों पर भी हेल्प करेगा। तो हमें जो भी डेटा है, अच्छा अगर आप दूसरी चीज आपको क्या देखनी है वो भी यहाँ पे बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ये आपको आगे भी हेल्प देंगी, इसलिए आप पहले से थोड़ा देखे रखेंगे तो आपको आदत पड़ेगी। जेसन डॉट क्या लिखते हैं, स्ट्रिंगिफाई करते हैं। तो एक सिंपल सी बात बता रहा है मुझे, कहता है इसको प्लीज देखना कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते कैसे हैं और स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग कौन सी मेथड्स हैं और कैसे किया गया है, बस खाली देखना होता है क्योंकि आगे हेल्प करेगी चीजों पे समझने में। यहां पर हम पेज पर हैं, तो फेच मेथड को क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। यहां पर अगर दूसरी चीज पे भी फोकस कर रहा हूं, ये फोकस कर रहा हूं एक्सियोस ऐसा वाइड ब्राउजर सपोर्ट, बट यहां पर फेच में कुछ कुछ कंपेटिबिलिटी लिख रखे हैं कि भाई इन्हीं पर क्या करती है, सपोर्ट करती है। फेच पे अगर आप बात करते हैं तो बिल्ट इन सपोर्ट इस तरीके के हैं, बट हमारे पास फेच में ऐसे कुछ है नहीं। एक्सियोस और फेच में डिफरेंस एक बार प्लीज देखें, तो मैं एक्सियोस का यूज और फेच का यूज पहले दोनों बता रहा हूँ, क्योंकि फेच क्या है,